नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पत्थर पर कलाकृति बनाते ये शिल्पकार। दरअसल कटनी के जागृति पार्क में स्टोन आर्ट फेस्टिवल चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। 20 दिनों तक चलने वाले स्टोन आर्ट फेस्टिवल में देश के कई इलाकों से आए शिल्पकारों और कलाकारों ने दुर्लभ मूर्तियां तैयार की हैं। कटनी के स्टोन पर शिल्पकारों की कला को देखकर हर कोई हैरत कर रहा है। कटनी स्टोन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने से शिल्पकारों को बुलाया गया, जहां कटनी स्टोन पर अपनी शिल्प को आकार देकर शानदार कलाकृतियां शिल्पकारों ने तैयार की, जिसे प्रदर्शनी में सजा दिया गया है। कलाकृति तैयार होने के बाद शिल्पकारों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। 9 नवंबर से आयोजित कटनी स्टोन आर्ट फेस्टिवल का समापन 28 नवंबर यानी कि रविवार को हो जाएगा। खास बात यह है कि इस आर्ट फेस्टिवल को कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने लोकल फॉर वोकल का फॉर्मूला अपनाते हुए शुरू किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को भी कला के जरिए रोजगार मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।